हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पांडे जी इंग्लिश वाले। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 20 टूल्स के नेम जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं और इनका इस्तेमाल करके हम अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। सबसे पहले है शॉवेल। शॉवेल का मतलब करछा। करछा का इस्तेमाल हम लोग गार्डन में सॉयल को इधर से उधर फेंकने के लिए करते हैं। सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल आपने देखा होगा, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे वायर को सोल्डर करने के लिए यूज़ किया जाता है। हैमर। हैमर हथौड़ा का इस्तेमाल किसी भी नेल को दीवार में ठोकने के लिए किया जाता है। ड्रिल मशीन छेदन यंत्र। इसका इस्तेमाल करके हम लोग कहीं पे होल बना सकते हैं। एक्स। कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके हम वुड को आसानी से काट सकते हैं। स्पैनर। स्पैनर मीन्स पाना। पाना का इस्तेमाल हम लोग किसी भी बोल्ट को टाइट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। रेंच। रेंच का इस्तेमाल हम लोग किसी भी बोल्ट को या किसी भी टैप को खोलने के लिए यूज़ कर सकते हैं। पाइप रेंच। पाइप रेंच का इस्तेमाल पाइप जो कि हमारे घरों में लगे होते हैं उनको खोलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सॉ। सॉ का इस्तेमाल वुड कटिंग में होता है, इसे आरी कहते हैं। प्लायर्स। प्लास। प्लास का इस्तेमाल किसी भी चीज़ को टाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है या किसी भी वायर कटिंग में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सीजर्स। सीजर कैंची। कैंची का इस्तेमाल हम लोग अक्सर पेपर कट में करते हैं या क्लॉथ कटिंग में करते हैं। टेप मेजर नापने का फीता। इसका इस्तेमाल करके हम किसी भी चीज़ की लेंथ को आसानी से नाप सकते हैं। स्क्रू ड्राइवर पेंचकस। पेंचकस का इस्तेमाल हम लोग करके किसी भी स्क्रू को आसानी से खोल सकते हैं। जैक उत्तोलक। इसका इस्तेमाल हम लोग आप अक्सर देखते हैं कि कार के नीचे लगा के इसको उठाने के काम आता है ताकि हम लोग आसानी से टायर खोल सकें। चिजल छेनी। छेनी का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी जगह पे कोई भी वुडिंग वुड का काम हो या किसी भी दीवार में छेद करना हो वहाँ पे कर सकते हैं। हेज शीयर्स झाड़ियाँ काटने वाली कैंची। जैसे कि हम लोग गार्डन में इसका इस्तेमाल करते हैं, देखा होगा आपने मालियों के पास, जो हमारे यहाँ माली लोग होते हैं उनके पास होता है, वो आसानी से पेड़ों की टहनी वगैरह काट सकते हैं इससे। शिकल दराती। अक्सर गांव में देखा होगा आपने, खेतों में किसान इससे घास काटने के लिए यूज़ करते हैं या किसी भी चीज़ को काटने के लिए। एग्रीकल्चर शॉवल स्पेड, इसे फावड़ा कहते हैं। फावड़ा का इस्तेमाल हम लोग मिट्टी खोदने में यूज़ करते हैं और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर एग्रीकल्चर के फील्ड में होता है। ट्रॉवल कन्नी या इसे स्पेड भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल आपने देखा होगा घर बनाने वाले मिस्त्रियों के पास होता है और वो लोग इससे सीमेंट का मसाला लगाते हैं। वाटरिंग कैन हज़ारा। हज़ारे का इस्तेमाल हम लोग गार्डन में करते हैं पेड़ों को पानी देने के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू फ्रेंड्स।